मंदिर में घंटा हलाने से कुछ नहीं होना है। गरीब बेचारा मरा जा रहा है भुखमरी, उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। शिक्षा की जरूरत है, बेरोजगारी खत्म करो। बाबा साहब अम्बेडकर कितना संघर्ष किया, उनको पानी नहीं पीने दिया, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको बैठने दिया, उन्होंने संघर्ष किया ना। मंदिर में कुछ नहीं रखा है, मत्था टेको कुछ नहीं मिलना है। जैसे हमारी मायावती बहन है, ये अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करेंगे। और मुझे उम्मीद है मायावती बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मंदिर बना रहे, मंदिर में घंटा हला रहे बैठे। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखिए हमारे समाज को जगाया है, संविधान बनाया है, उन्होंने शिक्षा दी है, स्कॉलर दिया है, और रोजी रोजगार बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। जो IPS IAS बने बाबा साहब अम्बेडकर उस पर ही बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, आरक्षण सब लागू किया है, और कानून मंत्री बने तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, मेरा दलित गरीब है, उन्हें शिक्षा स्कॉलर की ज़रूरत है, जब शिक्षा स्कॉलर मिलेगी तो मेरा समाज आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, IAS IPS बनेगा, हुकूमत बनेगी। जो वकील साहब ने सही कहा है, शिक्षा की ज़रूरत है। मंदिर में घंटा हलाने से कुछ नहीं होना है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में चलना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने, आज योगी जी मुख्यमंत्री बैठे, इन्होंने जो ठेकेदारी बांट रखी है, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार पे लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका खून पसीना एक हो रहा है, और जो लोग उनको काम कर बेरोजगार कर दिया है, इतनी बेरोजगारी फैली, बेचारे भुखमरी कगार पे आ गए। अंकल जी आप उसकी बात करें आरक्षण की, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है ना, काम नहीं करता ऑफिसों में। नहीं, ऑफिसों में काम नहीं करता कैसे करेगा, तीन तीन चार चार सात बीस बीस साल से बैठे, 3 साल का नियम रखना चाहिए, अधिकारियों कर्मचारियों तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि घोटाला करप्शन ये एक देन है, क्योंकि बैठे रहते हैं एक बहाना करके, काम करना नहीं है, हमारी माँ मर गई, हमारी बहू मर गई, ड्रामा करते, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के वहाँ ड्यूटी पर घपला हो रहा है ना सरकार में। हाँ, सरकार में घोटाला घपला, और जो ठेकेदारी है ये बंद करें। गरीब बेचारा मरा जा रहा है, उन भुखमरी उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं, और बच्चे बेचारे कपड़ा नहीं पहन पाए, भूखे खाना नहीं मिलता है। फिर अनाज दे रही सरकार अंकल जी, खाना दे रही। शिक्षा की ज़रूरत है, बेरोजगारी खत्म करो, और ठेकेदारी ये खत्म करो। नरेंद्र मोदी आरक्षण को लागू करें और संविधान को लागू करें। बाबा साहब अम्बेडकर विचारों पर चलें, हमें प्रधानमंत्री कोई ऐतराज नहीं। बाबा साहब नरेंद्र मोदी एक तो बेरोजगारी मिटें, जो गरीब हैं उनको ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आप निर्भर क्या बनिए, निर्भर क्या बनिए, मतलब जो बैठे हैं टीका लगाएं वो निर्भर बने, वो क्या करते हैं, घंटा हला के मोटे खा खा पड़ रहे हैं। ये कहाँ से, क्यों पैसा, गरीब का पैसा, ठेकेदार बनियों का पैसा, सब आपने जाते साथ मंदिर में। हम मंदिर नहीं जाते, मंदिर क्या करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है संघर्ष करो, अगर भुजा में ताकत है तो वजन भी उठा लोगे, अगर ताकत नहीं है भुजन में तो संघर्ष। तो सब ज्यादा दलित करते हैं, वो इतनी मेहनत करता है। नहीं, दलित करते हैं। शिक्षा स्कॉलर बाबा साहब अम्बेडकर कितना संघर्ष किया, उनको पानी नहीं पीने दिया, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको बैठने दिया, उन्होंने संघर्ष किया ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सब एकजुट के सबको पानी पिलाया और सबको संविधान बनाया कि मेरा गरीब दलित जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इनकी हमें जंजीर छुड़ाना जरूरी है, क्योंकि ये गुलामी के उनको गुलाम बना रखा, गुलामी से छुटकारा दिलाना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उन्होंने आरक्षण किया है, और दलित के लिए शिक्षा स्कॉलर दिए, IPS IAS बने, वो भी अपनी कुर्सी पे। गुलाम है क्या दलित है? दलित अब भी गुलाम है क्या? नहीं, दलित अपने अपने पैरों खड़ा हो, दलित अपनी शिक्षा पे चले। दलित कुछ कुछ ऐसे हैं, एक अपने भाई की टांग खींचते हैं, एक दूसरे गुलामी पे उतर पड़ते हैं। ये अपने दलित को बदलना होगा। हाँ, और समाज अपने बाबा साहब अम्बेडकर विचार पर चलना चाहिए, और पढ़े लिखे लोग बाबा साहब अम्बेडकर विचार पर चलना चाहिए। मंदिर में कुछ नहीं रखा है, मत्था टेको कुछ नहीं मिलना है। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में दलित भी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी जी महात्मा बने बैठे हैं, उनको संन्यास लेने चाहिए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है सत्ता की, क्या जरूरत उनको सत्ता की, उनके पास क्या कमी है, क्या करना है, कहाँ ले जाएंगे वो धन को। योगी जी अपना संन्यास लेके अपना बैठे, और जो कोई योगदान पढ़ा लिखा है उसको मुख्यमंत्री बनाए। जैसे हमारी मायावती बहन है, ये अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करेंगे। और मुझे उम्मीद है मायावती बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और नरेंद्र मोदी अगर ये चाहें तो समाज को बदल सकते हैं। आरक्षण को लागू करें, संविधान लागू करें, और जो ठेकेदारी है इसको ख़त्म करें, और जो कर्मचारी बैठे हैं
दस दस साल बीस बीस अधिकारी हो, इनका एक सूची निकालें। 3 साल से ज़्यादा किसी अधिकारी कर्मचारी को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन, हाँ तबादला ट्रांसफ़र, क्योंकि करप्शन ये इसीलिए होता है, ये मांगने लगते हैं काम करो, अरे ये क्योंकि वो कहते हैं हमारे ये फलाने रिश्तेदार रिश्तेदार को ढूंढते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। और जाति पात बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हिंदू क्या होता है, भाईचारा एक है। हिंदू किसको कहते हैं बताइए, हिंदू किसको कहते हैं? और भाईचारा और समाज मतलब जो भाई हैं अपने, जो सब भाई नहीं है, मुसलमान भाई नहीं है, कौन भाई नहीं बताइए? तो हिंदू तो ये ख़त्म करें इस समाज को। ये कह रही है कि हमने हिंदू मजबूत कर दिए हैं। कहा हिंदू मजबूत कर दिए? हिंदू क्या मजबूत कर दिए? मंदिर नहीं बना रहे हैं वो? मंदिर बना रहे, मंदिर में घंटा हला रहे बैठे। वो कह रहे मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है। देखो और जो बताए, कोई दलित गरीब पहुँच जाए उसको मंदिर नहीं घुसने देते हैं, ये क्या तरीका है? योगी जी दलित के यहाँ जाकर खाना खा रहे, एक फॉर्मेलिटी कर रहे दलित जी, जो योगी जी खाना खा रहे एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब क्यों करते हैं सर? आपको कुछ चुनाव इसलिए करते, वोट मांगते। अब दलित के यहाँ खा रहे के ब्राह्मण के खा रहे, ये कौन देख रहा है? ये कौन देख रहा है? माथा पे लिखा मीडिया जो दिखा रहे वही देख रहे। मीडिया आपको तो बता दिया कि योगी जी ऐसा कर रहे हैं, राहुल जैसे वहाँ खाना खा रहे हैं, ये कौन देख रहा है? एक कन में कमरा बेतर घुटाल बैठार के ब्राह्मण ने और कह दिया हम दलित के यहाँ खाना खा के आए। सब ऐसा होना चाहिए। एक 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 उदाहरण दे रहे, यहाँ क्या नाम बांदा में एक हुआ था, एक पंडित जी गए थे, उन्होंने कहा हम कथा बाँचेंगे, तो एक ब्राह्मण के तो खाना खा लिया और एक एक अछूत के यहाँ खाना वहाँ कथा पढ़ के निकले, कह रहे हम खाना नहीं खाएंगे। बोले क्यों क्यों नहीं खाओगे? कह नहीं नहीं हम दिव्य धर्म हो जाए। दोनों ने अछूत लोगों ने पंडित को दरवाजा बंद कर दह जूता तुझे खाना पड़ेगा, तुझे निकालेंगे, जब तक तुझे निकालेंगे नहीं। खूब पिटाई करी उसकी। अंकल जी गलत किया है। अरे भाई खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या ब्राह्मण का नहीं अरे कैसे ब्राह्मण और अछूत का ब्लड एक ही तो है ना, अलग अलग है खून। जात से क्या मतलब है? जात के ऊपर तो लड़ाई लड़ रही है, जात के ऊपर तो लड़ाई है, जात की वोट पे मांग रहे। या तो कह रहे हम वोट देंगे, वो बनिया कह रहे हम वोट देंगे। अंकल जी आपने कई सरकार देखे अब तक, ये सरकार कैसे चलती है इनकी, समाजवादियों की? अच्छा एक मिनट, इंदिरा जी थी मोटा उदाहरण, इंदिरा ने 40 साल राज चलाया, जिस SC क्यों नहीं परेशान हुए? इंदिरा जी ने आरक्षण पहले लागू कर दिया था कि शेड्यूल कास्ट को पहले कोटा पूरा किया जाए, तो ये क्यों नहीं करते हैं? इनको भी करना चाहिए। अच्छा हम ये चाहते हैं, देखिए जो माने बांदा ने किया था वो ठीक किया था कि हम अछूत क्या खाना नहीं खाएंगे, तो फिर कथा का एक पढ़ भी जाते हो। अंकल जी सरकार बन जाए कुछ दिनों के बाद में, लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहन जी आ रही हैं, पिछली बार तो हाथी बनवाए थे, इस बार क्या बनवाओगे? बहन जी हाथी न बनाए कुछ नहीं, बहन जी माया बाबा साहब अम्बेडकर सपने साकार करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के, और जो गली दलित गरीब है उनको बेरोजगारी दूर करेंगे, उनको नौकरी देंगे, और बहन जी बहुत अच्छा काम करेंगे, और बहन जी मुझे उम्मीद है बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करेंगे, और बाबा साहब के विचारों पर चलती हैं वो और संविधान की लड़ाई लड़ती हैं। जी नरेंद्र मोदी क्यों ठेकेदारी बांट रखती है? वो मंदिर तो नहीं बनाती कौन? मायावती बहन जी मंदिर कहाँ बनाएंगे? इन्होंने मंदिर बना क्या, इसी अगर बेरोजगारी दूर कर देते तो ठीक है, मंदिर बना के क्या होगा? करोड़ों रुपया खर्च कर लिया, वोट मिलेगा मंदिर में, वोट मिलेगा। बेचारे गरीब हैं, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, ये सब क्या है? कैलाश नहीं बाबा साहब अम्बेडकर विचार चले, उन्होंने संविधान लड़ाई लड़ी, आरक्षण किया, उन्होंने शिक्षा स्कॉलर दिया, जो IPS IAS हैं उनकी बदौलत बने हैं। और बहन जी से हम यही निवेदन करें, मुख्यमंत्री बने, बाबा साहब अम्बेडकर साकार सपने पूरा करें। जय भीम जय भारत।